तो हेलो गाइस, वेलकम, आप स्वागत है मेरे चैनल में। तो भाई साहब, आज हम स्टूडियो में बात करने वाले खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की आने वाली मच अवेटेड फिल्म रक्षाबंधन। भाई साहब, इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया, कब रिलीज होने वाला है। भाई साहब, बिगेस्ट क्लैश यानी कि भाई साहब आमिर खान वर्सेस हमारे खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार, दोनों के बीच बिगेस्ट क्लैश ऑफ द ईयर। भाई साहब, जबरदस्त क्लैश होने वाली है। हाँ दोस्तों, दोनों एक ही डेट पर आ रही है, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो में अंत तक जरूर देखना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए, ज्यादा कुछ टाइम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो भाई साहब, खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर पर एक अनाउंसमेंट, भाई साहब जबरदस्त अनाउंसमेंट, एक छोटा सा टीजर डाल दिया है कि फिल्म कब आने वाली है। तो भाई साहब, आपको बता दूं, ये फिल्म आ रही है 11 अगस्त को। हाँ दोस्तों, सही सुना आप लोगों ने, पिछले दिनों खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार के साथ कुछ सही नहीं चल रहा है, उनकी कौन सी भी फिल्म नहीं चल रही। यहाँ तक भी कहा गया था कि उनको फिल्म से हटाया गया है, ये भी बोल दिया था। लेकिन भाई साहब, उनको खारिज, सभी न्यूज खारिज करते हुए अक्षय कुमार ने एक ट्विटर पर एक पोस्ट डाल दिया है, वो यानी कि रक्षाबंधन पोस्टपोन नहीं हो रही है, उसी टाइम पर आ रही है, यानी कि 11 अगस्त को। उसी टाइम पर हमारे आमिर मामू भी आ रहे हैं, लाल सिंह चड्ढा। हाँ दोस्तों, बिगेस्ट क्लैश, दोनों के बीच इतनी बड़ी जंग होगी आप सोचे नहीं होंगे। यानी कि भाई साहब, 11 अगस्त को ये दोनों फिल्म आ रही है। अब किसे कितना स्क्रीन्स मिलते हैं, कितने शोज मिलते हैं, और भाई साहब एडवांस बुकिंग का क्या है क्या नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं। लेकिन भाई साहब, रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा दोनों क्लैश होना पक्का है। तो खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार ने ये अनाउंसमेंट कर दी है। हाँ दोस्तों, अब मानना ये पड़ेगा कि कब भाई साहब आपने एक फिल्म दूसरे फिल्म के साथ क्लैश कर रहे हो, तो कुछ तो सोच समझ कर ही कर रहे होंगे, ये आप ही जानते होंगे। लेकिन भाई साहब, आमिर खान के अपोजिट खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार से ठहरे हुए हैं, तो कांटे की टक्कर होगी। हाँ दोस्तों, कांटे की टक्कर, यानी कि भाई साहब आमिर खान भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं, और अक्षय कुमार तो भाई साहब साल में 4 फिल्में करते हैं, हम सबको पता है। लेकिन कुछ दिनों से उनकी फिल्म कौन सी भी नहीं चल रही, यानी कि भाई साहब बच्चन पांडे ले लीजिए, पृथ्वीराज ले लीजिए, कुछ भी फिल्म नहीं चल रही है। तो इस पर उम्मीदें बहुत से हैं, तो क्या होगा आने वाले वक्त पर, आप कौन सी फिल्म का वेट कर रहे हो, रक्षाबंधन की वेट कर रहे हो या फिर लाल सिंह चड्ढा की वेट कर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो पता नहीं है, आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो आगे बढ़ने से पहले, बॉलीवुड तरफ से कहीं से कुछ भी अपडेट आती है तो मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन रख लेना, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहे। तो चलिए, हम चलते हैं, जय हिंद।